हम इस वक्त खड़े हैं हापुड़ के निजामपुर इलाके में और मैं आपको बता दूं ये NH-24 से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं मेरे सामने निजामपुर हापुड़, ये IS-PCS कोचिंग सेंटर है जो कि दलित छात्रों के लिए बनाया गया था, यानी कि दलित वो छात्र जिनको यहाँ पर IS-PCS की कोचिंग दी जाती है और यहाँ के हम तमाम हालात और तमाम उनको किस तरह से शिक्षा दी जाती है, किस तरह से कोचिंग दी जाती है, किस तरह का उनका रहन सहन है, वो हम सब आपको दिखाएंगे। इसमें अंदर जाकर उन तमाम हालातों पर एक नज़र डालेंगे और रूबरू कराएंगे। चलते हैं इसके अंदर। हम इस वक्त इस कैंपस में अंदर आ चुके हैं और मेरी नज़र सबसे पहले जिस चीज़ पर पड़ी वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस प्रतिमा पर गई, जहां पर एक बोर्ड, लोकार्पण बोर्ड लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं इस पर लिखा हुआ है जनपद गाज़ियाबाद में, उस वक्त जो गाज़ियाबाद ज़िला लगता था क्योंकि हापुड़ उस वक्त जो था वो गाज़ियाबाद के अंदर आया करता था और उसके बाद का जो मैं बता दूं कि हापुड़ को अलग जनपद बना दिया गया था, वो भी बहन जी की उसी सरकार की बात है। IS-PCS कोचिंग सेंटर लोकार्पण सुश्री मायावती जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2011 शनिवार को संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश समाज। तो ये एक ऐसा, क्योंकि दलित छात्रों से जुड़ा हुआ है और दलित छात्रों के लिए इस कोचिंग सेंटर को बनाया गया था, तो बाबा साहब का यहाँ होना लाजमी है। आगे की जो बात है हम यहाँ पर कुछ करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, शायद मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं और उन्हीं से हम जानेंगे, उन्हीं से कुछ पूछेंगे कि यहाँ पर क्या है, किस तरह से इसे अमल में लाया गया था और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी आखिर जो अभी रख रखाव है वो किस तरह से चल रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार जी, विनोद विनोद कुमार जी आप यहाँ किस पद पर हैं? मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर कार्य देता हूँ। अच्छा, बताएंगे कब इस इंस्टीट्यूट को अमल में लाया गया था, कब यहाँ पर जो ये सोच थी कि इस तरह से एक SC जो दलित छात्र हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर बनाया जाए, और ये एक ही है या इससे ज़्यादा भी उत्तर प्रदेश में है? ये 2010 से वर्किंग में है और बंद तो रहा 2008 से, दो साल इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में लगे और 2010 से वर्किंग में है और इसमें 200 स्टूडेंटों की क्षमता है जिसमें 120। उस वक्त किसकी गवर्नमेंट थी, मतलब उत्तर प्रदेश में? उसमें बसपा की गवर्नमेंट थी, बसपा की गवर्नमेंट में ये बना था 2010 से वर्किंग में। फिर कैसे अमल में आया? अमल में आए, विज्ञापन निकाला गया, लेक्चरर्स की गेस्ट लेक्चर होते हैं उसकी भर्ती की गई। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे कोचिंग लेते हैं वो केवल दलित बच्चे ही यहाँ? हाँ, ये इंस्टीट्यूट टोटली शेड्यूल कास्ट के लिए है। हाँ, 120 जिसमें बॉयज हैं और 80 लड़कियां हैं, शेड्यूल कास्ट की टोटल। अच्छा, अगर सीट्स की बात की जाए कोचिंग सेंटर, तो एक सेशन जो होता है उसमें कितने बच्चे मतलब शामिल किए जा सकते हैं और उनके जो एप्लीकेंट, मतलब किस तरह से उन्हें आवेदन किया जाता है और कैसे उन्हें, उनकी पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है? देखिए, इसमें प्रशिक्षण के लिए IAS, मैं पहले ये बता देता हूँ, सिविल की तैयारी की जाती है प्री की, और उसके लिए विज्ञापन निकाला जाता है। साल में 2 सेशन चलने होते हैं इसके, जियो के अकॉर्डिंग उसके लिए विज्ञापन निकलता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और उनका मेरिट बेस पर एडमिशन, ग्रेजुएशन की मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाता है। इसकी एक चयन कमेटी होती है, चयन कमेटी में मेरिट के आधार पर सेलेक्ट हुए बच्चों को कॉल की जाती है और उनकी काउंसलिंग कर। अच्छा, चयन कमेटी की आपने बात की, कौन कौन उसमें सदस्य होते हैं चयन कमेटी में? चयन कमेटी में यहाँ जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट है तो जॉइंट डायरेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं और इसके समाज कल्याण अधिकारी सदस्य होते हैं, DM द्वारा नामित एक कोई भी अधिकारी होता है। अच्छा, तो जो बच्चे हैं वो जब सेशन चलता है किस टाइमिंग क्या होती है क्लासेस की, किस तरह से, और जो यहाँ शिक्षा देते हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से मैनेज किया जाता है? इसके लिए जैसे शिक्षा देने के लिए गेस्ट लेक्चर के लिए यहाँ पर जियो में प्रावधान है, तो गेस्ट लेक्चर के लिए हम लोग विज्ञापन निकालते हैं न्यूज़पेपर में, विज्ञापन के माध्यम से जो आवेदन पत्र आते हैं उनका इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है और उनको 500 रुपये प्रति पीरियड उसको दिया जाता है, और इसके लिए फिर क्लासें स्टार्ट हो जाती हैं। अब वो देखना होता है हमें कि लेक्चरर कब यहाँ पर अपना समय दे पाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जो लेक्चरर हैं डिग्री कॉलेज में हैं सब,
तो उनका समय देखना पड़ता है। तो अभी इस समय सुबह 6:30 बजे से क्लासें चल रही हैं और शाम को 5:30 बजे तक चलती है, बीच में उनको लंच भी रहता है। अच्छा, बात की जाए अगर बजट की तो एक साल का बजट कितना होता है? बजट के आधार पर तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब जितना उसको आवश्यकता होती है लगभग पूरा हो जाता है, और बाय द वे कम भी रहता है तो उसकी डिमांड भेज दी जाती है। तो अच्छा, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो यहाँ से कोचिंग करके जाते हैं और फिर किसी न किसी नौकरी में उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उनकी कैसे मतलब उनको कैसे किस तरह से चयनित किया जाता है या उनका कोई रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाता है? हाँ बिल्कुल, बच्चे यहाँ कोचिंग करते हुए भी सिलेक्शन हो जाता है और इसके बाद जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद भी वो सिलेक्शन पा जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रह करके उनको रिटर्न में भी देते हैं कि भाई आप यहाँ से जाने के बाद जब सिलेक्शन हो जाए तो आप इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट को ज़रूर दीजिएगा, और जब वो एप्लीकेशन डालते हैं तो उनके आवेदन पत्रों की हम फोटोकॉपी संरक्षित रख लेते हैं अपने रिकॉर्ड में, क्योंकि गवर्नमेंट भी रिपोर्ट मांगती रहती है, वहाँ भी देना होता है। अच्छा, 100% अगर बात की जाए तो लगभग कैसा रिजल्ट रहा है आपके? रिजल्ट एवरेज कह सकते हैं इसमें, क्योंकि 5 महीने का जो ड्यूरेशन है इसका वो ठीक है, गवर्नमेंट के अनुसार जो भी है उचित है, लेकिन एक सिविल IAS की तैयारी के लिए मैं पर्याप्त नहीं मानता हूँ कि 5 महीने में फुल तैयारी हो जाएगी। तो आप मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर। ये थे हमारे साथ कोर्स कोऑर्डिनेटर साहब, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ का मैनेजमेंट किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं मतलब लाता है, पर्याप्त करता है, और जो छात्र हैं दलित छात्र उनको यहाँ पर एक अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे की तरफ भी क्लास चल रही है और वहाँ पर जो दलित छात्र हैं वो उनको कोचिंग दी जा रही है, और यहाँ अंदर एक जो टीचर हैं उनको कोचिंग दे रहे हैं। हालांकि अभी किस विषय पर चल रही है, किस टॉपिक पर चल रही है वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आगे के हालात भी अभी आपको दिखाऊँगा कि किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं उसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं और देखते हैं। अब हम इस वक्त आ गए हैं इस राजकीय IAS PCS कोचिंग सेंटर के इस हॉल में, इस प्रांगण में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लासरूम हैं, क्लासरूम 4, क्लासरूम 5, और इस तरफ भी शायद क्लासरूम है, इस तरफ भी क्लासरूम बने हुए हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और एक मेरे पीछे की तरफ है, तो यहाँ पर 6 जो क्लासरूम है जिनमें जो क्लास दी जाती है, और इस तरफ एक क्लासरूम इधर है, और इसके पीछे की तरफ हम देख सकते हैं कि इस तरफ शायद पुस्तकालय है, जिसे लाइब्रेरी कहते हैं, और लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में फिलहाल क्या चल रहा है और किस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर, कुछ जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, शायद लाइब्रेरी की तरफ हो जाएंगी, और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेशन है वो लाइब्रेरी, ये देख सकते हैं कि पुस्तकालय के अंदर का माहौल आप देख सकते हैं, कुछ छात्र हैं वो किस तरह से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में देख सकते हैं। ज़्यादातर जो छात्र हैं वो यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप देखिए, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर सब हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और अच्छा, यहाँ पर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ रही हैं, इनसे थोड़ा आप जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर और किस तरह की स्टडी चल रही है। क्या नाम है आपका? पूजा। किस तरह की स्टडी चल रही है, क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर। क्लास ख़त्म होने के बाद यहाँ जो बच्चे हैं वो जो छात्र हैं वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी हर तरह की किताबें हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि जो किताबें हैं वो यहाँ पर अलग अलग तरह की, भारत का भूगोल, और देख सकते हैं कि ये भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल का स्वरूप, और तमाम तरह की जो भूगोलिक किताबें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सामान्य हिंदी का ये एक सेक्शन है जहाँ पर पूरी जो किताबें हैं वो मौजूद हैं, तो तमाम यहाँ पर जो किताबें हैं वो केमिस्ट्री वगैरह सब तरह तरह की यहाँ किताबें हैं, और जो छात्र हैं वो फिलहाल यहाँ पर पेपर पढ़ रहे हैं, जो जनरल नॉलेज है उसको शायद इम्प्रूव करने के लिए पेपर पढ़ा जा रहा है, और ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि दलित छात्रों के अंदर एक जागृति उत्पन्न है और उस पर शायद वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं।
इससे आगे हम देखेंगे कि आगे का जो हाल है वो किस तरह का माहौल है अंदर, और इसके बाहर किस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे उसको डेवलप किया गया है वो आगे का हाल हम आगे बताएंगे, और इससे बाहर निकलकर हम नीचे की तरफ चलेंगे। अब हम पहुंच गए हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है, इस जो पूरा जहां से पूरा इसे हैंडल किया जाता है। और इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन अभी मौजूद है फिलहाल। अंदर इसके एंट्री करते हैं। अच्छा, ये कार्यालय है, अभी शायद लंच सेशन है, और इसके अंदर देखते हैं, ये एक तरफ लेखा अधिकारी, यहाँ लेखा अधिकारी बैठते हैं, और दूसरी तरफ जो ये कमरा है संयुक्त निदेशक, और इसमें देखते हैं कि अभी कोई मौजूद है तो उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, हमारे साथ हैं लेखाधिकारी और हम कोर्स कोऑर्डिनेटर। ओके सर, यहाँ अभी पूरे प्रांगण में हमने देखा सब तरह तरह के बच्चे यहाँ पर लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, वो स्टडी कर रहे थे। किस तरह का माहौल है, क्योंकि यहाँ जो एक माहौल बना के तैयार किया जाता है, किस तरह की उस पर तैयारी कर और किस तरह का माहौल में बच्चों को जो ढालने का एक तरीका सिखाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, शायद सिविल की तैयारी करना कोई मामूली बात नहीं होती है, लेकिन जो भी स्टूडेंट आते हैं हम इन 5 महीनों में उनको इस तरह से तैयार कर देना चाहते हैं कि वो सिविल की परीक्षा में पास हो जाएं। प्री की परीक्षा चूंकि दी जाती है, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ डिसिप्लिन पर विशेष फोकस रखते हैं, और डिसिप्लिन के मामले में कोई समझौता नहीं करते, और क्योंकि यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के हॉस्टल्स भी हैं, तो वो एक चुनौती भरा काम है जिसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया जाता है। और इनको डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है, क्लासें लगवाई जाती हैं, लेक्चर्स का अरेंज किया जाता है यहाँ पर, और मेस की सुविधा है जो बिल्कुल निशुल्क है, लाइब्रेरी है जो बिल्कुल निशुल्क है, हॉस्टल का कोई चार्ज नहीं है, 100% निशुल्क है यहाँ पर। तो इनको इन्वायरमेंट दिया जाता है 24 आवर का, इनको प्रत्येक घंटे को बांट दिया जाता है, किस समय सोना है, किस समय जगना है, किस समय पढ़ना है, किस समय नहाना है, और किस समय योगा एक्सरसाइज इत्यादि करना है। तो उनको इस तरह का हम लोग एक शेड्यूल देते हैं ताकि इनकी तैयारी प्रॉपर रहे। अच्छा, बात की जाए जैसे आपने बताया, तो शिक्षा कितने घंटे का जो एक टाइम है जो शेड्यूल में ऐड है, उसके अनुसार कितने टाइम एक छात्र जो पढ़ाई पर ध्यान देगा? देखिए, इसके लिए हमने 12 आवर तैयार किए हैं कि 6 आवर्स की जो है क्लास जरूरी है, और 6 आवर सेल्फ स्टडी के लिए हमने 24 आवर का जो शेड्यूल दिया है उसमें लाइब्रेरी एक्स्ट्रा टाइम में हो गई, लेकिन स्टडी के लिए 12 आवर्स इम्पॉर्टेंट है, और उनको उसी तरह से उनको शेड्यूल जारी किया है। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र को यहाँ आने के लिए लगभग, हालांकि सब कुछ आपने बताया कि यहाँ पर ये जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो सब फ्री हैं, फिर भी यहाँ पर आवेदन करने से लेकर कितना लगभग एक छात्र का कितना खर्चा आ जाता होगा मिनिमम? देखिए, यहाँ पर आवेदन करने से लेकर के देखा जाए तो 1 रुपया भी कोई खर्चा नहीं है यहाँ पर। जिस दिन उसका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के टाइम पर 1000 रुपये का DD उनका जमा किया था जो कौशन मनी के रूप में, जिस दिन वो छोड़ते हैं कोचिंग सेंटर को उसी दिन उनको वापस किया जाता है, और लिया इसलिए जाता है कि उनके द्वारा कोई संस्था को क्षति तो नहीं पहुंचाई है, अगर क्षति पहुंचाई जाती है तो उसी लिए उसमें से कटौती की जाती है। वैसे ऐसा केस होते नहीं है, सभी बच्चे अनुशासन में रखे जाते हैं, तो बाकी यहाँ का कोई खर्चा नहीं है। जो कौशन मनी लिया जाता है 1000 रुपये का, वो तुरंत वापस कर दिया जाता है और छोड़ने के बाद में, और उस तरह का 5 महीने में उनका कोई 1 रुपये भी कोई खर्चा नहीं आता है किसी। ये थे यहाँ जो कोर्स कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर डिसिप्लिन पर खासा ध्यान दिया जाता है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को अलग अलग मतलब स्टडी उनकी कराई जाती है, और ख़ासकर 6 घंटे का स्टडी शेड्यूल एक यहाँ पर बनाया गया है, उसी के अनुसार सेल्फ स्टडी के लिए अलग शेड्यूल बनाया गया है, और जो क्लासेस स्टडी की जाती हैं उनके लिए अलग शेड्यूल बनाया गया है। तो यहाँ सबसे जो अहम बात नज़र आई वो रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन की देखने को मिली। दलित छात्रों के लिए बनाए गए इस कोचिंग सेंटर में तमाम वो उच्च स्तर की सुविधाएं निशुल्क दी गई हैं जो शायद किसी निजी संस्थान में भी उपलब्ध ना हो। कोचिंग सेंटर की जो क्लास चल रही थी वो फिलहाल ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो क्लास ले रहे थे अंदर, वो बाहर आ चुके हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज उन्होंने किस टॉपिक पर क्लास ली और कैसा रहा उनका अनुभव। क्या नाम आपका? रंजीत। आज किस टॉपिक पर क्लास चल रही थी? सर, टॉपिक ये IAS और PCS के बारे में हम बता रहे थे,
और उन्होंने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी है, और हमारे आई जी साहब और IAS अधिकारी बड़े बड़े लोग हमारे बीच थे और उन्होंने हमें कैसा अनुभव रहा सर? बहुत अच्छा लगा सुन के, और हम और ज़्यादा जितनी मेहनत कर रहे थे उससे और ज़्यादा मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे। कितना समय हो गया है यहाँ पर? यहाँ पे हमें 20-25 दिन हुए हैं। 20-25 दिन हो गए। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। दिनेश, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं ग्राम सोरामपुर से और ज़िला अमरोहा से बिलोंग करता हूँ, और मुझे यहाँ पे आने का बहुत अच्छा मौका मिला है। और मैंने ये सोचा कि यहाँ जो घर पे इतनी तैयारी नहीं हो पाती थी, और मैंने यहाँ पे एक पढ़ाई का उद्देश्य यहाँ है तो उद्देश्य पढ़ाई के लिए यहाँ। कितना समय हो गया यहाँ पर फिलहाल? यहाँ पे 25 दिन हो चुके करीब। 25 दिन हो? हाँ जी। अच्छा, आज जो किस टॉपिक पर आज पढ़ाई हुई, किस टॉपिक पर आपको बताया गया, किस तरह से समझाया गया, थोड़ा उसके बारे में बताया? सर आज ये बताया था IAS और PCS के कोर्स के बारे में बताया था। आपको इतने टाइम में और इतना मेहनत करना है, और इतने टाइम को आपको इतने टाइम पढ़ाई करनी है। और भी कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश। आप कहाँ से आए हैं? काफ़ी मैं सर इसी सिटी से वाले इसी हापुड़ सिटी से हूँ सर। क्या किस टॉपिक सर? सिविल सर्विस के बारे में बताया था, किस तरह पढ़ाई करनी है, क्या टारगेट होना चाहिए आपका। अच्छा, ये सिविल सर्विस के बारे में आप लग रहे हैं कि काफ़ी समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं, कितना समय हो गया अभी मतलब तैयारी करते हुए? सर हमें यहाँ पर आए हुए केवल 25 दिन हुए हैं, लेकिन हम 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ आने का सोची। तो और भी मतलब होंगे जहाँ पर आपने अप्लाई किया होगा, और भी वैकेंसीज जो निकलती हैं उनमें भी अप्लाई करते हैं, या सिविल सर्विस ही वैसे एक टारगेट है? सर अप्लाई तो हर जगह करते हैं, लेकिन हमने यहाँ सोचा कि यहाँ कुछ मेहनत करके सफलता मिल सकती है। अच्छा, यहाँ जो यहाँ का माहौल है इस कैंपस का, यहाँ पर कैसा लगता है, किस तरह का माहौल बना हुआ है यहाँ पर? क्या और जगह से बेटर लगता है कि घर से, या और जगह से यहाँ पर बेटर लगता है? यहाँ सर हमें हर तरह की सुविधा मिलती है, और हम घर से महसूस अच्छा यहाँ करते हैं। आप बताएंगे आप कहाँ से हैं, किस जगह के रहने वाले हैं? जी सर, मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर आया हूँ। तो हमको बताया गया है कि आपका एम है कि कुछ यहाँ से करके जाएं। कितने महीने से आप यहाँ पर? सर हमको लगभग कोई 20-25 दिन हुए हैं। 20-25? जी सर। तो 20-25 दिन में लगा है कुछ कि हाँ यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेटर अच्छी तैयारी हो सकती है? जी सर हाँ, लग रहा है कि जैसे कि हम घर पर रहते थे, गांव में रहते थे, कि पता ही नहीं था कि हमको कैसे पढ़ना है और कैसे आगे कुछ करना है। तो यहाँ के पता चला कि हाँ पढ़ाई कैसे होती है, और बाहर का माहौल कैसा होता है, टीचर कैसे होते हैं। ये जो फैसिलिटी यहाँ पर आपको दी जा रही है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? लगता है कि हाँ किसी ने कुछ काम किया है जो दलितों के लिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और आज हम यहाँ पर इस तरह की तैयारी कर सकते हैं? जी सबसे पहले तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि हमारे सामने ये बाबा साहब हैं, इन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया है। और जैसे कि पिछली बातों को याद करते हैं तो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि क्या होता था क्या नहीं, लेकिन अब तो अधिकार है, हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, और अपने दूसरों को भी शिक्षा दे सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। और भी लोग हैं आप? अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? सर मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सर प्रदीप नाम है। प्रदीप, बताएंगे आज किस टॉपिक पर पढ़ाई की, और यहाँ आकर कैसा लग रहा है? सर जैसा कि यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है IAS PCS के लिए, वही मोटिवेशनल क्लासेस थी। IAS के बारे में बताया गया था किस तरह से आपको स्टडी करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए IAS के लिए, और किस तरह से आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक था वो क्या था? सर टॉपिक पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक नहीं था, सर ने मोटिवेशनली बताया था कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। अच्छा, प्रिपरेशन के बारे में बताया। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम नागराज भारती है। अच्छा। और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा नागराज, कैसा लगा यहाँ पर आप प्रिपरेशन? यहाँ पर आके प्रिपरेशन करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने 9 साल तक अकाउंट ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आके मैंने अभी PL का एग्ज़ाम दिया है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ऑफिसर ने जो तैयारी कराई है ना, उसके मुकाबले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और मुझे 99.9% श्योर है कि मेरा BL में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ छात्र हैं जिनका कहना ये है कि यहाँ पर आकर और जो उनको मोटिवेशन दी जाती है उनसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, और उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में सिलेक्शन की उम्मीद है। छात्रों के रहन सहन से लेकर उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं पर भी खासा ध्यान दिया गया है। भोजन आलय में साफ सुथरा किचन, और आप देख सकते हैं यहाँ खाने बनाने में सफाई का
विशेष ध्यान रखा गया है और छात्रों के यहाँ बैठकर खाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। खाने पीने के साथ यहाँ एक कक्ष मनोरंजन का भी बनाया गया है, जहाँ समय अनुसार टीवी देखने की व्यवस्था की गई है। अब हम इस वक्त आ चुके हैं इस जो कैंपस के हॉस्टल की तरफ, जहाँ पर इसे कहा जाता है छात्रावास, और यहाँ पर जो छात्र यहाँ पर दलित छात्र कोचिंग लेते हैं उनके रहने का प्रबंध इसी हॉस्टल में किया गया है। यहाँ पर कुछ कमरे आप देख रहे हैं, ये पूरा एक कमरे का एक कैंपस बनाया गया है, जहाँ पर एक रूम में दो स्टूडेंट, हमें बताया गया है कि दो स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं। अंदर चलकर देख ही लेते हैं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह का उन्हें फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई हैं। और अंदर जो छात्र हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, कैंपस के अंदर हम आ गए हैं और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरफ शायद कोई है। अच्छा हाँ, ये इसमें ज़रूरी दो हमें स्टूडेंट मिले हैं और ये यहाँ पर शायद पढ़ाई कर रहे थे। क्या पढ़ाई कर रहे थे? यस सर। क्या पढ़ रहे थे? हाँ सर, योजना एक मैगजीन्स यहाँ पर कुछ पढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र ग्रामीण को समर्पित योजना, तरह तरह की। और ये सामान्य अध्ययन ये पीसीएस का? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, पीसीएस के, पीसीएस के। यस सर। अच्छा, और ये विज्ञान प्रगति, यहाँ पे जो अच्छा सर क्लासेस लेते हैं उन्होंने हमें ये गाइड किया था। अच्छा, इस तरह की मैगजीन्स परचेज करनी चाहिए। ठीक है, तभी हम ले। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रदीप गौतम नाम है सर। प्रदीप, यस सर, यहाँ आप रह रहे हैं, किस तरह की फैसिलिटीज हैं? दो रूम हैं, उनमें देख सकते हैं आप पंखे, अलमीरा, और इस तरफ विंडो, यानी खास ध्यान रखा गया है बच्चों की जो स्टडी को लेकर कि उनका वेंटिलेशन अच्छा रहे, ताज़ी हवाएं। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि पीछे की तरफ भी खुला हुआ है पूरी तरह से, और जो लाइट सबसे कहते हैं रोशनी, दिन में रोशनी आए और पढ़ाई में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की पूरी कोशिश की गई है कि ऐसा उन्हें माहौल दिया जा सके। तो विकास, प्रदीप, कैसा यहाँ, कैसी तैयारी चल रही है, और हॉस्टल के अंदर अगर बात करें इस हॉस्टल के अंदर तो कैसा मैनेज कर रहे हैं आपको, किस तरह से, आपने इससे पहले कहीं कुछ किया है किसी कोचिंग सेंटर में, तो यहाँ का कैसा लगा? सर, मैं इससे पहले मुखर्जी नगर में था 3 साल के लिए, अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहा था सर। वहाँ पे मुझे पता है मैं वहाँ कैसे रहता था, घर से पैसे आते थे, लेकिन सर यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मुझे लगता है इतना बड़ा फ्लोर, इतनी सारी सुविधाएँ, हर चीज़ की फैसिलिटी दी हुई है यहाँ पर, तो सर बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर सर और प्रभारी सर हैं, इन्होंने इतना अच्छा डिसिप्लिन कायम करके रखा है और हमें पढ़ाई करने का मौका दिया है। और सर मैं सभी साथियों से, अपने समाज के लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो अपने इन 5 महीनों को अच्छी तरह से कारगर करें, अपनी पढ़ाई मेहनत से पढ़ाई करें और अपने टारगेट को अचीव करें। तो सर बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, पढ़ाई की बात करें, कितने घंटे की पढ़ाई होती है क्लासेस को छोड़कर? हाँ सर, शाम को 4:30 या 3 बजे के बाद क्लासेस ऑफ हो जाती हैं, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर टाइम रहता है पढ़ने का। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने घंटे, कितने आवर्स पढ़ाई करनी है, क्योंकि सर पढ़ाई करने के लिए कोई मिनिमम आवर्स नहीं होते कि इतने घंटे पढ़ना है। सर ने हमें प्रॉपर शेड्यूल दिया हुआ पढ़ने का। ये शेड्यूल है, 4 बजे सर हम उठ जाते हैं यहाँ से। अच्छा, उसके बाद अपना ये, तो ये हर कमरे में मौजूद होगा शेड्यूल? हाँ सर, ये सबको मिला हुआ है। अच्छा, और इसके अकॉर्डिंग हमारा डेली का वो शेड्यूल चलता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो यहाँ जो क्रेडिट है किसकी तरफ, कैसे, किसको देखते हैं कि हाँ ऐसा कुछ किया है? सर इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी बहन जी का, जिन्होंने कि ये इंस्टीट्यूट बनवाया, और ऐसे यही नहीं कम से कम 5 इंस्टीट्यूट अपने पूरे उत्तर प्रदेश में बनवाए, जिससे कि हमारा समाज ऊपर जा सके। और डॉक्टर अम्बेडकर के उन पर और माननीय काशीराम जी के आदर्शों पर चल के उन्होंने ये चीज़ किया। तो सर ऐसी फैसिलिटी हमारे समाज के लोगों के लिए कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही अच्छा टाइम है उनके लिए आगे बढ़ने का, अपने समाज को ऊंचा उठाने का। अच्छा, अब प्रदेश में जैसे बहन जी की सरकार नहीं है, तो उसमें कुछ लगा कि हाँ शायद कुछ ऐसा है कि पहले कुछ हो सकता था, अब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लगता है? सर गवर्नमेंट के मामले में तो खैर मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉपर मैसे अच्छा खाना मिलता है, सब कुछ, कोई मतलब कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सर जिस तरह से गवर्नमेंट कर रही है, योगी सरकार है, पूजा अर्चना में लगी पड़ी है, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रही है, सर ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। और मोदी जी कहते रहते हैं, चलिए वो सब दूसरा टॉपिक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कीजिए। और यहाँ का जो माहौल है वो एक देखने में लगता है कि हाँ एक किसी स्टूडेंट का एक क्लास, एक क्लास कह सकते हैं, या एक कह सकते हैं कि हाँ एक स्टूडेंट का एक रूम है। यहाँ पर देखिए बेड,
जिस पर स्टूडेंट की सोने की व्यवस्था की गई है। अच्छा मजबूत यहाँ पर बेड लगाया गया है और अलमीरा काफ़ी मजबूत, यानी जो यहाँ पर काम भी किया गया है वो इस चीज़ को ध्यान में रख कर किया गया है कि किसी भी चीज़ की या किसी भी चीज़ को बहुत मजबूत, यानी लाइफ उसकी ज़्यादा हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ किया जा सके। ये क्या चीज़ है इधर? अच्छा, टॉयलेट बाथरूम, ठीक है सर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पढ़ाई कीजिए, आप डिस्टर्ब किया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ पर कुछ लोग जमा हो गए हैं, देख सकते हैं आप बाहर कि ये भी सब आजू बाजू आप शायद कमरों में इधर शिफ्ट हो गए। तो कैसा माहौल है यहाँ, सब कैसे खाना वाना सब बढ़िया? फर्स्ट क्लास हमारे सर हैं यहाँ, श्रीमान महोदय कोऑर्डिनेटर साहब श्री विनोद कुमार जी, हमें ऐसा रखते हैं जैसे हमें अपने माँ बाप की भी याद नहीं आती। माँ बाप से बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यहाँ बच्चे सब जो यहाँ पर पाँच सर की ड्यूटी 5 बजे बंद हो जाती है, सर घर भी नहीं जाते, सर रात दिन रहते हैं, ख्याल रखते हैं अच्छे से। ये बहुत अच्छी बात यहाँ देखने को मिली है कि जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पर, उन्होंने एक ऐसा माहौल यहाँ पर बना के रखा हुआ है कि जो यहाँ स्टूडेंट जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन्हें अपने माँ बाप की भी याद नहीं आती और उन्हें लगता है कि वो घर में ही अपने घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक माहौल उन्हें ऐसे बना के दिया गया है। राजकीय ISPCS कोचिंग सेंटर का निर्माण इस सोच के साथ किया गया था कि यहाँ पर दलित छात्रों को सिविल सर्विस की प्रिपरेशन निःशुल्क कराई जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए उस वक्त की मुख्यमंत्री रही बहन मायावती का अभिवादन दलित छात्र आज भी करते नहीं थकते। कैमरा पर्सन मोहित के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम, हापुड़।